पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक अन्य महत्वपूर्ण विषय जिसमें समन्स क्या होता है इस बारे में तो मैंने अलग से बताया हुआ है, उसकी सर्विस कैसे होगी, कॉरपोरेट बॉडी है, कंपनी है, तो उस समन्स की सर्विस, पहले समन होता क्या है ये बताऊंगा, उसके बाद उसकी सर्विस कॉरपोरेट बॉडीज या कंपनी पर कैसे होगी। सीआरपीसी में जो समन्स है SUMMONS, समन्स का अर्थ होता है बुलावा पत्र। ये कोर्ट के द्वारा, किसी कमीशन के द्वारा या किसी के भी द्वारा बुलाने के लिए, कोई विटनेस है, किसी से कोई जानकारी लेनी है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, उसके लिए समन्स इश्यू होता है। समन्स अर्थात बुलावा पत्र। समन्स का फॉर्मेट क्या है ये सीआरपीसी की सेकंड शेड्यूल में दी हुई है, पीछे अनुसूची में, कौन उसे इशू करेगा, मजिस्ट्रेट इशू करेगा। तो कॉरपोरेशन या कंपनी पर समन्स की सर्विस कैसे होगी इस बारे में मैं इसमें आपको बतलाने जा रहा हूँ। इसमें दो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 63 और सेक्शन 66 सीआरपीसी। कोई कंपनी संस्था के बारे में अगर कोई समन्स किसी कर्मचारी पर इशू किया जाता है तो उसकी सर्विस कैसे होगी, ये सेक्शन 63 सीआरपीसी में बताया है, कोई कॉरपोरेट बॉडी है। और सेक्शन 66 में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उस पर समन्स की सर्विस कैसे की जाएगी। एक जनरल प्रिंसिपल ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी समूह, जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपस में एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कंपनी फॉर्म करते हैं, वो पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, वो तो कंपनी होती है। एक्ट ऑफ द एम्प्लॉय के लिए उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य के लिए वाइकेरियस या प्रतिनिधि दायित्व का सिद्धांत डॉक्ट्राइन और वाइकेरियस लाइबिलिटी के तहत उसका मालिक जिम्मेवार माना जाता है। तो इस सिद्धांत को लेकर एक उदाहरण में जैसे आपको बताता हूं कि मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक की काफी बड़ी शाखा है, इम्पोर्टेंट इंडिया की बैंक है, और इसके किसी कर्मचारी ने मान लीजिए कोई अपराध कर दिया, तो इसके लिए अलग किसी एक्ट में अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत कोई कार्यवाही हुई, उसमें जो समन्स जारी किया जाएगा वो सेक्शन 63 के तहत उसके सेक्रेटरी, बैंक का कोई लोकल मैनेजर या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर जो भी है, उस कर्मचारी या अधिकारी पर तामील करने के लिए उनको भेजा जाएगा। और सर्विस ऑफ द समन्स सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन बाय लेटर सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट, जहां उनका मुख्यालय है, या कोई MD हो सकता है, CEO हो सकता है, चेयरपर्सन हो सकता है, उसके थ्रू तामीली कराई जाएगी और वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जाएगी। इसके अलावा, ये तो सेक्शन 63 मैंने आपको बताया, इसके अलावा सेक्शन 66 में ये बतलाया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी पर संबंध की तामील करने के लिए उसके विभाग अध्यक्ष को भेजा जाएगा, जो ड्यूली उसको सर्व कराएगा। इसमें डुप्लीकेट में वो संबंध हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जाएगा, और वो धारा जैसी कि मैंने बताई तामीली कराकर न्यायालय को दो कॉपी में होगा भेजेगा। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट एजेंसी का 1981 का हुआ था, जिसमें ये कहा गया कि लोगों का समूह या लोकल जो ब्रांच मैनेजर है उस पर सर्विस के लिए भेजा जाएगा, और वो उस संबंधित कर्मचारी या अधिकारी से तामील कराकर वापस न्यायालय को उस समन्स को भेज देगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर दो तरह के मैंने आपको समन्स की तामील के लिए बताया, एक कॉरपोरेट बॉडी या कंपनी पर समन्स की तामील कैसे होगी और सरकारी कर्मचारी पर तामील कैसे होगी। इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 63 सीआरपीसी में प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत कंपनी संस्था या कॉरपोरेट बॉडी के लिए उस जो कि लोगों के समूह के रूप में किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कंपनी में कार्यरत है, एक्ट ऑफ द एम्प्लॉय के लिए उसका डॉक्ट्राइन ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी के तहत उसके किसी सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर को भेजा जाएगा, जो उसकी तामीली कराकर MD है, CEO है, चेयरपर्सन है, भेजेगा। और सरकारी जो भी कर्मचारी या अधिकारी है उसके लिए डुप्लीकेट हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट ड्यूली जो सर्व कराएगा HOD, और वो बाद में उस व्यक्ति से तामील कराकर संबंध दो प्रति में जाएगा और उस न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए उसे निर्देश देगा और उसको वापिस न्यायालय को सर्विस कराकर सौंप देगा। इस तरह मैंने सरल भाषा में आपको कॉरपोरेट बॉडी या कंपनी पर संबंध की तामील कैसे की जाती है इस बारे में सरल भाषा में बताने का प्रयास किया। मैं इस चैनल पर नए नए कानूनी विषयों से संबंधित वीडियोस ला रहा हूँ,
यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और नहीं जुड़े हैं इस चैनल से, तो कृपा करके इस चैनल से जुड़ जाइए। आपकी कानूनी जानकारी में इजाफा होगा। जैसा कि कहा गया, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं है। इसलिए आप देश के कानून को जानिए, जागरूक होइए, कानून की जानकारी आपको सशक्त बनाएगी। इसी उद्देश्य से मेरे ये चैनल, मैं एक रिटायर्ड न्यायाधीश हूँ, आपका मित्र अशोक शर्मा, और मैं इस चैनल पर विभिन्न कानूनी विषयों को लेकर नए नए वीडियोस डेली अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो में यहीं तक। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों को लाइक शेयर अवश्य करें, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।